वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज हम जो वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुए वो है ब्लॉगर न्यू ब्लॉगर जो 2020 में गूगल ने बनाया है। मीन्स 2020 से ही पहले वो स्टार्ट हो चुका था। कुछ यूज़र्स जो हैं वो परेशान हो, जो नए ब्लॉगर्स आए उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैं आज आपको नया जो ब्लॉगर की सेटिंग है वो कुछ बताऊंगी जी। तो दोस्तों, नए ब्लॉगर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आपको टाइप करने के लिए प्रॉब्लम होगी, जो जिनको कोडिंग नहीं आती, HTML लैंग्वेज नहीं जानते, वो सिर्फ डायरेक्टली लिखेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ, ठीक है जी। नया ब्लॉगर कुछ इस तरह का शो होता है, बड़ा बड़ा काफ़ी, ठीक है। पेजेस हमारे इस तरह से आएंगे और यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ जो यूज़र्स पहले से यूज़ कर रहे हैं और उनके सामने अचानक से इस तरह का, जब वो अपना ब्लॉगर ऑन कर रहे हैं तो उनके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, तो वो परेशान है कि अब यार ये किस तरह से आ रहा है, तो पुराना सीखा हुआ था, अब ये हम शो किस तरह से करेंगे। तो जी उसके लिए क्या करना है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं पुराने पे तो यहाँ पर देखें रिवर्ट टू लेजेसी ब्लॉगर, ठीक है जी। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना, जो पुराना वाला ब्लॉग है वैसे ही आपके सामने वापस हाजिर हो जाएगा। अगर आप नए ब्लॉग पे ही काम करना चाहते हैं तो उसमें हम पेजेस किस तरह क्रिएट करेंगे, पोस्ट किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने पेजेस हमारे पास ये हैं जो हमारे पहले से पब्लिश है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर नया पेज हम क्रिएट करें, तो वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि पुराने ब्लॉगर में यहाँ पर न्यू पेजेस का ऑप्शन आता था, बल्कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो प्लस का साइन आ रहा है यही आपका न्यू पेज का साइन है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना माउस रखा, यहाँ पर नीचे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू पेज। जैसे ही मैं इस प्लस के साइन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर देखें ऑप्शन वही खुल गई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने पेजेस आ गए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है अपने पेजेस का पेज का टाइटल दीजिए, उसके बाद वही सारी ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ इमेज आ गई, यहाँ वीडियो आ गई, यहाँ पर अल्फ़ाबेट आ गई, ये कलर टेक्स्ट आ गया, ये पीछे का बैकग्राउंड कलर, अब तो और आसान कर दिया। यहाँ सर डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, ठीक है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अगर आप वहीं पर जाना चाहते हैं, उसी तरह आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इसकी HTML देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने उसी ब्लॉगर की तरह करना है, वो आपको ज़्यादा साल लगा है, तो आप इस ब्लॉगर को चेंज भी कर सकते हैं। आप रिवर्ट पे जाके आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका पुराना ब्लॉगर वापस आ जाएगा। ये देखें, आपने फिर अपने उसी तरह के काम करके अपने ब्लॉगर पे आप चाहे तो वापस इसको कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हैं, ट्राई द न्यू ब्लॉगर, ठीक है। अगर आप ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछेगा कंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। बाकी न्यू ब्लॉगर का मैं आपको बता देती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह से आपने पोस्ट पर भी जाना होगा, पोस्ट पर भी आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। आपने वहाँ पर अपनी पोस्ट का आर्टिकल लिखना है, पिक्चर लगानी है, वीडियो लगानी है, जो भी आपने लगाना है वो लगा के उसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश भी किस तरह करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। मैंने एक बना लिया था, ठीक है, मैं ये ओपन करती हूँ। अब जब आप यहाँ पर फ्री अपनी जो भी आपने लिखना है पेज या पोस्ट वगैरह, यहाँ पर उसका टाइटल देने के बाद सारी सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्च डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसके बाद आपको पोस्ट किस तरह करना है तो यहाँ पर देखें, यहाँ ऑप्शन नज़र आता है, ये है सेव का। अगर आप इसको अभी पब्लिश नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सेव पे, और ये आँख बनी हुई है, यहाँ पर आपको आई नज़र आ रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा पेज जो है मैंने लिखा है ये मेरे यूज़र्स को किस तरह नज़र आएगा, कैसा लगेगा दिखने में, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने ओरिजिनल आ जाएगा किस क्या आपका यूज़र जो आएगा वो आपका जब आपकी वेबसाइट पर आकर आपका पेज देखेगा तो वो किस तरह देखेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको पब्लिश कर दूं तो आपने यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है, ठीक है जी। एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी पोस्ट या पेज जो भी है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट में भी इसी तरह होगा, पेजेस में भी इसी तरह होगा। अब आपने यहाँ स्टेट कैसे चेक करना है,
स्टेट्स पे आपने क्लिक करना होगा तो स्टेट आपके सामने नया वाला कुछ इस तरह से खुलेगा। तमाम के तमाम यहाँ लाइन से आ जाएंगे। लेटेस्ट पोस्ट के बारे में और आपका पेजेस किस किस तारीख को कितनी दफ़ा देखा गया है यहाँ पर सारी अपडेट्स आ जाएंगी। अगर आप मोर ज़्यादा जानना चाहते हैं कि मेरा और कितने पेजेस मेरे व्यू हो चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। पोस्ट के बारे में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर भी मेरे पास एक ही पेज व्यू हुआ है और यहाँ पर दो जी डोर से दो व्यूज हो चुके हैं। तो मैं इसको और देखना चाहती हूँ कि और कितने व्यूज हो चुके हैं मोर अबाउट इस ब्लॉग। तो मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। यहाँ देखिए आपको बता रहा है कि रेफरेंस कितने हुए अदर्स, ठीक है जी, क्योंकि सिर्फ अभी टू व्यूज है तो यहाँ पर पूरी सर्च हिस्ट्री नहीं आ रही है। जैसे ही आपके यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो उसके बारे में आपको तमाम की तमाम चीज़ें दे देगा। ये ऑडियंस का रेफरेंस आ गई, यहाँ पर आपको तमाम ऑडियंस का देगा वो किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। बाद में आपको यहाँ नीचे देखें किस कीवर्ड सर्च कीवर्ड से करके आ रहे हैं और ये लोकेशन क्या है। यहाँ पर आपको तमाम कंट्रीज़ के नाम दिए जाएंगे। देखिए बेल्जियम से मेरा पेज का मेरी ब्लॉग का एक पेज जो है व्यू हुआ है और एक पेज पाकिस्तान से व्यू हुआ है। तो यहाँ पर आपको तमाम कंट्रीज़ के बारे में पता चलेगा कि आपका जो ब्लॉग है वो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, ठीक है। इससे हमें ये आसानी हो जाती है न्यू ब्लॉगर में, ये आसानी है कि आपको कंट्रीज़ के नाम भी दे दिए जाते हैं। पुराने ब्लॉगर में दिए जाते हैं लेकिन बहुत कम दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको तमाम के तमाम और तमाम जो एक्यूरेट है वो आपको दे दिया जाएगा। अगर आप इसकी SEO कर लेते हैं तो उस वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ गूगल एनालिटिक्स से वो आपको कनेक्ट कर देगा। एनालिटिक्स पर ये होगा कि आप बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आप देख सकते हैं। जो एक्टिव यूज़र भी उस टाइम का होगा वो भी आपका जो ब्लॉग है वो दिखा सकेगा कि आपके ब्लॉग पे इस वक्त इतने यूज़र्स मौजूद हैं, इतने लोग आपका ब्लॉग अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है जी। ये था एक छोटी सी वीडियो आपके लिए क्रिएट की थी और आप यहाँ से फिर जाकर अपना कमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आपके पास कोई आपका यूज़र आपको कमेंट करेगा तो यहाँ पर सारे के सारे कमेंट आपके पास पब्लिश हो जाएंगे। चाहे तो आप फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो उसको सेव रहने दीजिए, ठीक है जी। तो अगर आपको पसंद आए तो ये इसी ब्लॉगर को रहने दीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं पुराने ही ब्लॉगर के ऊपर तो आप यहाँ से रिवर्ट कर लीजिए, आपका पुराना ब्लॉग जो है वो वापस आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होते रहें, इसी तरह सिखाते रहें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमें सब्सक्राइब अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हम इस पर और मज़ीद आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, नई नई अर्निंग्स के तरीके सिखाएंगे। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।